Today I am going to tell you about the types of boards. Are they safe or dangerous? I told you several things about the boards, but is it safe or dangerous? Just open the video and you will get the information regarding to it. A board, short for a robot, is a software program that performs automated repetitive predefined tasks. So the bot is a sort of robot. Bots typically imitate or replace a human user behavior. Because they are automated, they operate much faster than human users. Internet bots can also be referred to as a spider, crawler or web bots. बहुत एक तरह का रोबोट है जो कि अपने से ऑटोमेटिकली रिपीटेटिव जॉब करता है जो उसको दिया गया है और ह्यूमन बीइंग को इमिटेट करता है और उससे तेजी से काम करता है, इसीलिए उसको स्पाइडर, क्राउलर्स और वेब बॉट कहते हैं। दे आर नॉर्मली यूज टू ऑटोमेट सर्टेन टास्क विच मीन्स दे कैन रन विदाउट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन। अब उनको स्पेसिफिक टास्क जो असाइन कर दिया जाता है वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो उसको कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉट? अ बॉट इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन टू ऑटोमेट द काइंड्स ऑफ टास्क यू वुड यूजली डू ऑन योर ओन, लाइक मेकिंग अ डिनर रिजर्वेशन, एडिंग एन अपॉइंटमेंट टू योर कैलेंडर और फेचिंग एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। द इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर्म ऑफ बॉट चैट बॉट सिमुलेट कन्वर्सेशन। अब ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक तरह के टास्क को ऑटोमेटिकली करते रहते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसीलिए इनको और इनके डिफरेंट फॉर्म हैं जिसको कहते हैं बॉट, चैट बॉट, सिमुलेट कन्वर्सेशन। जब आप टेलीग्राम पे काम करते हैं तो बॉट आपको ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस का आंसर देता रहता है क्योंकि वो pre-made programs. Why do we need bots? Save human resources for qualitative tasks. Chatbot can be used to assist the users or consumer for a specific task whenever they want. And as a chatbot, do not get tired or bored, hence can be employed to provide customer service round the clock. This will save the cost of customer support. अब आप कोई ह्यूमन को अपने काम के लिए रखिएगा तो हो सकता है बोर हो जाए और प्रॉपर आंसर अपने कस्टमर को ना दे, लेकिन चैटबॉट जो होता है वो एज अ रोबोट काम करता है तो वो हमेशा अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर इंफॉर्मेशन और सर्विसेज देता है और आपके आपको ह्यूमन रिसोर्स नहीं रखना पड़ता, तो वो आपके कॉस्ट को डिक्रीज करता है और कस्टमर सपोर्ट को बढ़ाता है क्योंकि वो मोर स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट वर्क करता है। व्हाई आर बॉट्स सो पॉपुलर? रियल टाइम एंगेजमेंट एंड इंटरैक्शन विद द कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट। आपका रियल टाइम एंगेजमेंट कस्टमर के साथ बॉट ही दे पाता है जो कि हो सकता है ह्यूमन बींग ना दे पाए। चैट बॉट कैन पर्सोनिफाई your brand as they offer personalized recommendation and interaction in the bid to satisfy your customer. अब ये chatbot जो होता है ये आपको brand को personalize करता है, recommend करता है लोगों को और personify करता है, press करता है कि इसको आप adopt करिए। This increase brand loyalty and trust और अपने customer को satisfied करके interaction से आपके ब्रांड की लॉयलिटी और ट्रस्ट को इंक्रीज करता है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ बॉट? स्पेसिफिकली अ बॉट इज अ एप्लीकेशन दैट परफॉर्म एन ऑटोमेटेड टास्क सच एज सेटिंग एन अलार्म, टेलिंग यू अ वेदर और सर्चिंग ऑनलाइन। सीरी एंड कॉन्ट्रा आर बॉट्स एज वॉज माइक्रोसॉफ्ट क्लिपी एंड AOL इंस्टेंट मैसेंजर स्मार्ट चाइल्ड। अब कॉन्ट्रा और सीरी जो है ये दो बॉट हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर रखा है। स्पेसिफिकली अ बॉट इज अ एप्लीकेशन दैट परफॉर्म ऑटोमेटिक टास्क। इसका काम क्या है? ऑटोमेटिक टास्क को बताता है। आप अलार्म सेट कर देते हैं तो उसी समय अलार्म बजता है।
तो ये ऑटोमेटेड टास्क बॉट का है। हाउ कैन यू टेल इफ समवन इज बॉट, अगर किसी को बॉट किया है किसी हैकर ने तो आप कैसे बता सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू टेल इफ एन अकाउंट इज फेक इज टू चेक आउट द प्रोफाइल। द मोस्ट रूडिमेंटरी बॉट लैक अ फोटो अ लिंक और एनी बायो। अब फेक जो होगा प्रोफाइल उसमें ना फोटो होगी ना लिंक होगा और ना ही उनके बारे में कुछ होगा। मोर सोफिस्टिकेटेड वंस माइट यूज अ फोटो स्टोलन फ्रॉम द वेब और एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड अकाउंट नेम। और बहुत अधिक आपके उसमें प्रॉब्लम है प्रोफाइल में तो क्या होगा कि आपकी फोटो को वो स्टोल करके आपके अकाउंट्स का फेक नाम रख करके ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और आपके आपके लिंक को हैक करके वो खुद काम करने लगेगा, आप खुद नहीं कर पाइएगा। दैट मीन्स यू आर बॉट। What is a bot programming? A bot, short for robots and also called an internet bot, is a computer program that operates as an agent for a user or other programs or to simulate a human activity. जो आपके help के लिए कुछ काम करे वो bot है। Bots are the normally used to automate certain tasks, meaning they can run without a specific instruction from human. जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। What is a coding bot? Bots are software program that combine requests which are typically provided as a text with a contextual data such as a geolocation and payment information to appropriate handle the request and response. अब जब आप किसी बैंक में कोई चीज पैसा जमा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है कि बैलेंस रिसीव, और आपके लोकेशन को वो बता देता है कि आप कहाँ पे हो। जैसे आप किसी पे सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपके लोकेशन वो दिखाता रहता है कि आपका कहाँ से लिंक है फेसबुक, कहाँ से आप काम कर रहे हो, किस डिवाइस से काम कर रहे हो। ये सब काम जो है वो बॉट का है। बॉट आर ऑफन ऑल्सो कॉल्ड चैट बॉट असिस्टेंट और एजेंट, इसीलिए इसको चैट बॉट असिस्टेंट और एजेंट भी कहते हैं, जो आपकी समय समय पे हेल्प करता रहता है। टाइप्स ऑफ बॉट, गुड बॉट्स और बैड बॉट, दो तरह के बॉट्स होते हैं, गुड बॉट और बैड बॉट। बोथ अटेम्प्ट टू असेस अ वेब रिसोर्सेज पेज वेब एप्लीकेशन एपीआई एक्सेट्रा, परफॉर्म अदर टिपिकल वेब एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन यूजर्स बट दे डू सो फॉर द डिफरेंट पर्पस। अब ये इनका मेन काम क्या होता है कि पेज के वेब एप्लीकेशन के एपीआई को रिसोर्सेस को बताना, और टिपिकली ये ह्यूमन को एक असिस्टेंट का काम करते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट बॉट डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं ये जो बनाए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड बॉट? अब गुड बॉट में आता है चैट बॉट, क्राउलर्स, ट्रांजेक्शन बॉट, इंफॉर्मेशन बॉट, एंटरटेनमेंट बॉट। चैट बॉट जिसमें आपको वो क्यूरीज एफएक्यू करता है और आप की क्यूरीज को सॉल्व करता है। क्राउलर जो पेज को ढूंढता है, ट्रांजेक्शन बॉट जो बैंक्स के ट्रांजेक्शन या किसी भी साइट के ट्रांजेक्शन को करता है, इंफॉर्मेशन बॉट जो रिगार्डिंग टू एनी ब्रांड और एनी पर्सन आपको इंफॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट बॉट जो आर्ट बॉट, गेम बॉट, डिफरेंट टाइप के एंटरटेनमेंट बॉट्स होते हैं जो डिफरेंट फील्ड की इंफॉर्मेशन को आपको देते हैं। तो ये सारे गुड बॉट हैं जो आपके फेवर में काम करते हैं और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइड नहीं करते। बट सम आर द मलेशियस बॉट। आर चैट बॉट यूजफुल? क्या चैट बॉट यूजफुल होता है? चैट बॉट वर्क बेस्ट व्हेन यूज स्पेसिफिकली, दे आर ग्रेट फॉर रूटीन टास्क एंड कॉमनली आस्क क्वेश्चन, दे आर केपेबल एंड कन्वीनियंट एंड दे That's where they can save your time and resources. अब chatbot जो होता है वो specially FAQ के लिए बना होता है और ये आपके time को बचाता है और resources को save करता है। What are the types of chatbot? Simple chatbot. Simple chatbot have a limited capability and are usually called rule-based bot. They are task-specific. Simple bot जो होता है वो किसी particular task के लिए बना होता है और रूल बेस होता है। स्मार्ट चैटबॉट,
AI-enabled smart chatbots are designed to simulate near-human interaction with customer. ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि इसमें होता है स्मार्ट बॉट में, तो वो कस्टमर से ह्यूमन बीइंग की तरह से डील करता है. हाइब्रिड चैटबॉट, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड स्मार्ट चैटबॉट. दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड चैटबॉट करते हैं. कुछ लोगों के अनुसार चैटबॉट 3 तरह के होते हैं. दे आर, लेट्स लुक एट द 3 मेन टाइप्स ऑफ चैटबॉट. द ई-कॉमर्स बॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट, द रिटेल बॉट एंड बैंक बॉट. अब रिटेल बॉट मतलब जो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, ई कॉमर्स भी जो है वो आपके कस्टमर सपोर्ट के लिए होता है, और बैंक बॉट तो आप लोग रोज ही में यूज कर रहे हैं, बैंक से डील कर रहे हैं. आर बॉट डेंजरस, बॉट्स कैन स्नीक अप ऑन योर इन मेनी वेज. दे कैन यूज द वल्नरेबिलिटी एंड आउटडेटेड सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम टू इंफेक्ट इट व्हाइल यू आर कैजुअली सफरिंग द वेब. They can be delivered by Trojan or questionable software you get tricked into downloading, like rug and antivirus program. अब आप अगर अपने software को update नहीं करते हैं तो वो उसका फायदा उठाएगा bot, और वो Trojan जैसे virus को deliver कर देगा और आपसे ऐसे question tricky पूछेगा जिससे कि आप खराब चीजों को डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है. मलेशियस बॉट हैव बीन डिफाइंड एज अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग मालवेयर कैपेबल ऑफ इंफेक्टिंग इट्स होस्ट एंड कनेक्टिंग बैक टू द सेंट्रल सर्वर. अब ये क्या करते हैं, मालवेयर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं सेंट्रल सर्वर से, होस्ट से. द सर्वर ऑपरेट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. अब वो क्या करेगा, आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा. फॉर बॉटनेट और अ नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर एंड अदर सिमिलर डिवाइस. और आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और आपके कंप्यूटर पे वो राज करेगा. टाइप्स ऑफ गूगल बॉट. अब बॉट तो सिंपल होते लेकिन गूगल बॉट्स क्या है, डेस्कटॉप बॉट जो कंप्यूटर पीसी पे यूज होते हैं वो डेस्कटॉप बॉट है. मोबाइल बॉट जो मोबाइल पे यूज होते हैं. तो हर डिवाइस के लिए अलग अलग बॉट्स होता है जो आप यूज करते हैं. न्यूज बॉट जो केवल न्यूज के बारे में बताता है. बुक बॉट, अब सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स बढ़ने से बुक्स जो है ज्यादातर ई बुक्स हो गई हैं जिनको लोग सेल और परचेज करते हैं, तो बुक बॉट उसके लिए यूज होता है. गूगल एडसीन बॉट जो एड के लिए यूज होता है. इमेज बॉट एंड वीडियो बॉट, बहुत लोग इमेज और वीडियो आजकल वीडियो बनाने के लिए यूज करते हैं जिसके लिए इमेज बॉट और वीडियो बॉट यूज होता है. तो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट बॉट गूगल ने बना रखा है जिसका यूज हम लोग करते हैं, हम लोग को पता भी नहीं. और बॉट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा काम फ्रीक्वेंट और फास्ट होता है. वॉट इज अ बॉट ऑन सोशल मीडिया. Bots are the operated on social media network and used to automatically generate messages, advocate ideas, act as a follower of users and fake accounts to gain follower themselves. अब सारे questions का answer जो होता है ये social media पे bot ही देता है, और आपको act as a follower of user, आपके फॉलोअर की तरह से यूजर के लिए यूज होता है. सोशल बॉट कैन बी यूज टू इनफिल्ट्रेट ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड यूज टू प्रोपोगेट स्पेसिफिक आइडिया. अब आपके लिए वो एडवाइस करता है कि इनको आप इनफिल्टर करता है, आप इनफिल्टर करता मींस एक स्पेसिफिक नीच को वो आपके लिए सजेस्ट कर सकता है और आपके ग्रुप को आइडिया दे सकता है कि आप इस ये काम करिए. जैसे बहुत से लोग होते हैं कॉमर्स के ऊपर, डिजिटल स्टडी के ऊपर और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज देते रहते हैं, तो वो आपको एडवाइस कर सकता है. बॉट्स कैन बी यूज टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. आपको समय समय पे कुछ पैसा देता रहेगा, कहेगा आप अपने वीडियो को प्रमोट करिए, आप अपने वीडियो को, अपने चैनल को, अपने सोशल मीडिया को प्रमोट करिए, आप जॉब दीजिए लोगों को, इस तरह की चीज़ें वो कहता रहता है प्रमोट करने के लिए आपके
पर्टिकुलर पेज को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे स्पेशली, और आप उसको एज अ बिजनेस यूज कर सकते हैं। बॉट कैन बी यूज टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया सर्च फॉर कंसर्ट टिकट और इवन रिप्लेस वर्ड। बॉट यूजली ऑपरेट ओवर अ नेटवर्क, दे कैन बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विस सच एज इंटरनेट मैसेजिंग और इंटरफेस लाइक ट्विटर और। अब आपको कम्युनिकेशन के लिए भी ये हेल्प करता है और क्रॉस कनेक्शन करके आपको हेल्प करता है मैसेजिंग के लिए। जैसे आप इंस्टाग्राम का स्टोरी आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, फेसबुक की स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, फेसबुक से आप ट्विटर पे जा सकते हैं। तो ट्विटर का बॉट अलग होता है। मलेशियस बॉट कैन ऑल्सो यूज टू कैरी आउट अ साइबर क्राइम सच एज स्पैमिंग और हैकिंग। हाउ डज योर बिजनेस यूज और प्रोटेक्ट अगेंस्ट बॉट? लेट अस नो इन द कमेंट एंड रिमेंबर टू गिव दिस वीडियो अ लाइक। और आप कैसे अपने सिस्टम को सेव करते हैं साइबर क्राइम और स्पैम से, और कैसे बॉट के अगेंस्ट काम करते हैं मलेशियस, या प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और कोई सेफ्टी टिप आपको पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दीज डेज सेवरल हैकर्स आर हैकिंग द चैनल्स ऑफ यूट्यूब, सो इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर ऑल। सो प्लीज़ If you like this video, please run, share to friends. Please press bell and subscribe so you can get notification of next this type of video. Join my all social media link given in the description. Join Telegram channel Tech Ratan, link I am giving here. Visit my YouTube channel link Ratan Agarwal IT Informer. Go to community and ask a question regarding videos and comment on the video. So thank you, viewer. If you like it, please share and subscribe. This is all today. Thank you.